हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल. एम अपूर्वा एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माई चैनल. मैं अब बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑगल के बारे में. अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे वाटर मैनिफेस्टेशन मेथड के बारे में जो आपने सिर्फ 3 दिन करना है एंड 3 दिन के बाद आपने इसे करके छोड़ देना है. एंड काफ़ी सारे चांसेस हैं, अगर कोई ऐसी विश आपकी है जो जल्दी पूरी हो सकती है, वो चीज़ बहुत जल्दी पूरी होगी, विद इन 3 डेज भी वो चीज़ हो सकती है. कुछ दिन उसमें लग सकते हैं, सपोज एग्जाम आपका 1 महीने बाद है, 2 महीने बाद, तो ऑब्वियसली बात है टाइम उसमें लगेगा, बट आप फिर भी इस मेथड को कर सकते हैं. ये जो मेथड है ये बहुत ही सिंपल सा है बट बहुत ही पावरफुल है, और इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड को यूज करने वाले हैं जिससे इस रिचुअल की पावर 100 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है किसी भी रिचुअल में, उसे स्ट्रांग बनाने के लिए, इज योर इंटेंट, योर इंटेंशन, कि आप एग्जैक्टली क्या चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो एंड आपकी जो डिजायर है, जो डिजायर आपकी है वो कितनी स्ट्रांग है, ठीक है. स्ट्रांग इंटेंशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, जब भी आपने ये रिचुअल करना है मेक श्योर आपका माइंड शांत हो, काम हो एंड आपका सारा का सारा फोकस आपने इस रिचुअल में देना है. 3 डेज का रिचुअल है, बहुत दिन नहीं करना है, बट 3 दिन आपने अच्छी तरीके से इस रिचुअल को परफॉर्म करना है, तभी आप इसके रिजल्ट्स देख पाओगे, ठीक है. अब बात कर लेते हैं आप इसे किस किस चीज़ के लिए कर सकते हैं. आप इसे हर एक विश के लिए, हर एक सिचुएशन को चेंज करने के लिए, कुछ भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करने के लिए आप इसको कर सकते हैं, ठीक है. अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से कॉल मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप इससे वो भी कर सकते हैं. जॉब मैनिफेस्टेशन आप इसे कर सकते हैं. कोई सिचुएशन आपकी फंसी हुई है, अटकी हुई है, वो काम आपका हो नहीं रहा है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो भी आप इसे कर सकते हैं. अच्छी हेल्थ के लिए आप इसे कर सकते हैं, ब्यूटीफुल स्किन के लिए, ब्यूटीफुल हेयर के लिए भी आप इसे कर सकते हैं. तो बेसिकली आप इसे किसी भी टाइप की विश के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है. अब चलिए बात कर लेते हैं इस रिचुअल को करना कैसे है. ये बहुत सिंपल है. आपने क्या करना है, जब आप सोकर उठते हैं सुबह, जब भी आप उठेंगे आपने चीज़ करनी है, आपने एक ग्लास में पानी लेना है. अगर आपके पास कॉपर का ग्लास है बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपके पास कॉपर का ग्लास नहीं है, जो भी एक्स वाई जी ग्लास आपके पास है पानी का, आपने पानी लेना है, ग्लास लेना है, आपने उस ग्लास को होल्ड करना है एंड जो भी आपकी इंटेंशन है आपने उसमें अच्छे से यू नो विजुलाइजेशन ऐड करनी है. आपने अपनी विश को, इंटेंशन को विजुलाइज करना है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो पानी है वो आपके इमोशंस को बहुत जल्दी कैच करता है, तो मेक श्योर जब भी आप विजुलाइज करेंगे आपने इमोशनली उस चीज़ को फील करना है, ठीक है. सपोज आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम है एंड वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है, आप परेशान हैं, सोचो वो चीज़ हो जाती है, वो चीज़ हो चुकी है, आप कैसा फील करोगे, आप कैसा रिएक्ट करोगे, आप कितने खुश होंगे अंदर से. आपने अपने आप को उस मूवमेंट में लेके जाना है, ठीक है. आपने उस ग्लास के पानी को होल्ड करके उस चीज़ को आपने विजुलाइज करना है. उसके बाद जो भी आपकी विश है, मेरा ये काम हो चुका है, फूकना है, ब्लो करना है पानी में. फिर आपने सेम एफर्मेशन को बोलना है कि थैंक यू सो मच, मेरा ये काम हो चुका है, फिर ब्लो करना है. फिर तीसरी बार आपने अपनी एफर्मेशन को बोलना है, फिर ब्लो करना है, ठीक है. आपने 3 बार ब्लो करना है. 3 बार ब्लो करने के बाद आपने 3 बार क्लीम 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 पानी में देख के आपने इस चीज़ को बोलना है. आपका मॉर्निंग का रिचुअल हो चुका है, ठीक है. अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने दोपहर के टाइम जब भी आपको टाइम मिलता है आपने इसे करना है. आपने फिर से पानी का ग्लास लेना है, पानी लेना है, उसमें सेम जो आपने एफर्मेशन बोली थी अब उसको आपने 6 बार बोलना है. एक बार बोला, ब्लो किया, फिर एक बार बोला, ब्लो किया, फिर एक बार बोला, ब्लो किया, 6 बार आपने ऐसा करना है. उसके बाद आपने क्लीम मंत्रा को भी सेम तरीके से ब्लो करना है, ठीक है. 6 बार एफर्मेशन बोली, ठीक है, उसके बाद आपने 6 बार मंत्रा को बोलना है. हर मंत्रा को, जब भी आप मंत्रा को बोलेंगे, मंत्रा को बोलने के बाद आपने ब्लो करना है, फिर दोबारा से आपने मंत्रा बोलना है, फिर ब्लो करना है. आपने इस तरीके से करना है, पहले विजुलाइजेशन करनी है, फिर आपने एफर्मेशन को ब्लो करना है हर बार बोल के 6 बार, फिर आपने मंत्रा को ब्लो करना है पानी में, इतना आपने करना है, ठीक है. अब रात को सोने से पहले आप इसे कर सकते हैं. अब आपने यहाँ पे फिर से अपना पानी का ग्लास लेना है, पानी लेना है, आपने उसे होल्ड करना है, आपने अच्छे से उसमें इमोशंस के साथ उस चीज़ को फील करना है, विजुलाइज करना है. जो आपने सुबह किया था वही सेम चीज़ आपने फॉलो करनी है. अब आपने जो भी आपकी एफर्मेशन है आपने उसको 9 बार बोलना है. एफर्मेशन बोली, ब्लो किया, एफर्मेशन ने अपनी विश बोली, ब्लो किया, विश बोली, ब्लो किया, ऐसा आपने 9 बार करना है. अब आपने क्लीम मंत्रा को भी 9 बार ब्लो करना है. क्लीम, फिर ब्लो कर दिया, क्लीम, फिर ब्लो कर दिया, क्लीम, फिर ब्लो कर दिया. अब आपने इस पानी को पी जाना है, ठीक है. तो आपने, आपका ऐसे पूरा एक दिन खत्म हुआ. आपने इसको दिन में 3 बार करना है. अब आपने इस प्रोसीजर को 3 दिन तक फॉलो करना है, फिर लेट गो कर देना है.
ठीक है, डे वन कंप्लीट हुआ, डे टू अगेन आप सुबह उठेंगे, आपने 3 बार करना है, फिर दोपहर में 6 बार करना है, रात को 9 बार करना है, फिर नेक्स्ट डे है, थर्ड डे है, लास्ट डे है इस रिचुअल का, सेम आपने फॉलो करना है, फिर इसको लेट गो कर देना है। काफ़ी सारे चांसेस है कि आपकी जो विश है वो 3 दिन में पूरी हो जाए। ठीक है, आप इस चीज़ के लिए इसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। पानी की शक्ति से आप किसी भी चीज़ को मोल्ड कर सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, पानी में एफर्मेशन देते रहे पीते रहे उस पानी को, एंड यू विल नोटिस कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका सोचने का तरीका उस स्पेसिफिक चीज़ को बदल जाएगा। पानी की खुद की एक मेमोरी होती है बाय द वे, ठीक है। जब आप क्लीम मंत्र, क्लीम एक कह सकते हैं बहुत ही पावरफुल अट्रैक्शन मंत्र है, ठीक है, अट्रैक्शन क्लीम मंत्र, क्लीम मंत्र एक बीज मंत्र भी है बाय द वे, ठीक है। जब आप इस मंत्र के साथ काम करते हैं, 369 की पावर के साथ अगर आप लोग काम करते हैं, जो निकोला टेस्ला के बहुत पावरफुल कोड है, बिलीव मी चेंजेस होने ही होने हैं। तो जो भी आप करोगे स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ करना है, ट्रस्ट के साथ करना है, इसे लेट गो कर देना है, डेस्परेट नहीं होना है कि कब होगा कैसे होगा। इट्स नॉट अबाउट मी और मैं रेमेडियां बता रही हूँ, इट्स अबाउट योर कनेक्शन विद द डिवाइन, कि आप कैसी एनर्जीज उस चीज़ को लेके रखते हो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसे ट्राई करेंगे, ना आपके जैसे भी फीडबैक होते हैं आप उसे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो यह आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें, मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय, थैंक यू सो मच।